हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSI का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है और गिने चुने आपके पास एक महीना टाइम लगभग बचा हुआ है। तो भाई, आज से हमारे चैनल पर आपको UPSI के सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आज हमारी पहला क्लास है, पहली प्रैक्टिस सेट है। ये ट्रायल वीडियो है, यानी कि मैं आपको कम समय में अच्छी नॉलेज और अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा टेस्ट करने के लिए। तो हमारी जो भी वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में रहेगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप UPSI वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई ये छोटे छोटे टेस्ट आप जरूर लो, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है कि आपको खुद के अंदर का आकलन होता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो आप इस टेस्ट को जरूर दो। हिंदी के भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी भी आपको अच्छे से करके आना है वहाँ पर। तो यहाँ पर मात्र 30 प्रश्न लेकर आए हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं UPSI में बार-बार। आप इन 30 प्रश्नों में अगर 20 से ज्यादा प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हिंदी तो बहुत अच्छी है, खैर आगे दूसरा सब्जेक्ट का जब वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे GK हुआ, मूल विधि हुआ, इन सभी का। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है भाई, पहला क्लास है। अगर आपका लाइक ज्यादा रहेगा इस वीडियो पर, तो मैं कंटिन्यू इस टेस्ट को प्रोवाइड करूंगा आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और आपसे एक और कमिटमेंट करता हूं कि हर वीडियो का, हर टेस्ट का PDF फाइल भी दूंगा विद आंसर रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई इस ट्रायल वीडियो का लाइक कायम, 500 लाइक कायम रखता हूँ। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हुआ भाई, तो आपको फ्री में PDF और कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो आइए देखते हैं समान हिंदी के मात्र 30 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा और वीडियो के एंड में बताना कि टोटल नंबर आप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, डॉट लगाना है, ABCD जो आपको सही उत्तर लगे वो आपको नीचे कमेंट करते जाना है हर क्वेश्चन का। तो चलो भाई बता दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट करिए। 2 का क्या हो जाएगा भाई, 2 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रूपक, रूपक अलंकार है चरण कमल, ठीक है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वाक धन ईज बराबर वागीज, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं UPSI के। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं भाई। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 5 नंबर का उत्तर दें, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अप्रत्यय वाचक तदत्ति प्रत्यय। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, 6 नंबर का राइट आंसर दें। ये सारे सेक्शन में जो चीज़ें हैं संविधान में, किस अनुच्छेद में है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, 5। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। यहाँ पर था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्टली 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 7 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के तहत अंतर्गत। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि कितनी समझ है आपको, यानी कि संविधान की, आर्टिकल की कितनी समझ है, धाराओं की कितनी समझ है आपको। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है UPSI एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दो, खासकर आपको GK वाले सेक्शन में मूल विधि का मैं एक टेस्ट लाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, नीचे बताएंगे, तो मैं मूल विधि का भी ऐसे ही टेस्ट करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 8 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सन 1963।
अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें कौन सा मुहावरा सही नहीं है, बताओ भाई। 9 नंबर का उत्तर दो, कौन सा मुहावरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोचते रहना, ये मुहावरा सही नहीं है। रस्सी का सांप बनाना, पापड़ बेलना, लकीर पीटना, ये सारे मुहावरे हैं, लेकिन सोचते रहना एक कोई मुहावरा नहीं है। अगला देखो भाई, 10 नंबर, भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दो। 500 लाइक अगर पूरा हो गया भाई तो उसका इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे दिया करूंगा विद आंसर रिवीजन करने के लिए, और कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी और भी सब्जेक्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भामह। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बढ़िया शब्द है भाई अग्नि का, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ये तो इजी पूछ लेगा। कभी कभी क्या होता है कि पर्यायवाची को ही उठा के, मान लो कृषाणु दे दिया, पूछ लेते हैं कृषाणु का पर्यायवाची बताओ, है ना, या फिर कृषाणु किसका पर्यायवाची है। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कृषाणु किसका पर्यायवाची, तब तक आप उसके और भी नाम याद नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है आपको वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा डी, पवित्र जो है अग्नि का नहीं बल्कि पावक होता है, अनल होता है, आग होता है, वायु सखा होता है, कृषाणु होता है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, वाक में काले मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो, आंखों में धूल झोंकती रही, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो भाई। अब कुछ लोग इससे इसको रिलेट कर लेंगे खुद से भाई, तो भाई एग्जाम पे फोकस करो, है ना, कौन धोखा दिया कौन धूल झोंक रहा है इन सब पर ध्यान न दो। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा धोखा देना, इसका अर्थ है सीधा सीधा। 13 नंबर देखो, होनहार बिरवान के होते डैश डैश इस कहावत को पूरा कीजिए भाई। चलो भाई बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है इस कहावत को पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 13 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा चिकने पात, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। अगला देखो भाई, 14 नंबर, लेखपाल शब्द का अंग्रेजी प्राय बताओ, यानी अंग्रेजी में लेखपाल को क्या कहते हैं बताओ, चलो भाई फटाफट 14 नंबर का उत्तर दो आप लोग। 14 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, अकाउंटेंट। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। 500 लाइक पूरा होते ही इसका पीडीएफ फाइल वहां सेंड कर दिया जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, हर क्लास की हो जाएगी, मिल जाएगी वहां पर। तो सबसे पहले तो भाई लाइक करो, जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो 500 लाइक कैसे पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा दामिनी। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए, वाक में काले मुहावरे का अर्थ क्या है। 16 नंबर का आंसर करें आप लोग। 16 का हो जाएगा ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सबसे आंख बचाकर भाग जाना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या। भाई बहुत टफ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हिंदी वगैरह बहुत इजी आता है, ये सब तो कॉमन चीजें हैं भाई, किसको मुहावरे का अर्थ नहीं पता है ना, नहीं पता होता फिर भी लॉजिक से निकाल लेता है इंसान, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपका स्कोर अच्छा जाना चाहिए। आज देखते हैं 30 में कितने लोग 25 प्लस सही करते हैं, वैसे तो 20 का टारगेट रखा है, 20 अगर सही करते तो भी बहुत अच्छा टारगेट है, मैं आपका एग्जाम तक 25 प्लस करवा दूंगा प्रैक्टिस कराते कराते, बट अगर 25 प्लस जिसका है समझ लो बहुत जबरदस्त है भाई, ऐसे तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 17 का बी कौरवी। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है बंदर के गले में डैश डैश इस कहावत को पूरा कीजिए। 18 नंबर का उत्तर दो भाई। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोतियों की माला। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा अत्यधिक। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है। 20 नंबर का राइट आंसर बताइए। वैसे अभी मैं इजी करवा रहा हूँ स्टार्टिंग में, आगे चल के थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे इजी टू हाई। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा खुद अच्छे तो सब अच्छा।
अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा इजी, कुछ लोग कमेंट करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, कुछ लोग ये कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, यूपीएसआई में नहीं आएगा। देखो भाई ये देखो, प्रैक्टिस है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस परीक्षा, उसी का है भाई, अलग कुछ नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया, 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संदेह अधिक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? 22 नंबर का बताओ, मुहावरा कौन सा है इसमें से? बाईस का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आंखें चार होना। अगला है 23 नंबर, प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाई भी आएगा, इसमें इजी नहीं रहेगा सब। 23 नंबर का उत्तर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट एक जरूर कर देना कि सर मजा आ गया, अच्छा लगा, टेस्ट और करवाइए। 23 का ए हो जाएगा 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं भाई, कारक समास, ये सब याद कर लेना है आपको, और इतने दिन से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई होगा। 24 का उत्तर क्या है? डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना है तो टेस्ट से और प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट किया जा सकता है। 24 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दशा और पति, द्वंद समास का उदाहरण है दशा पति। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर, द्वंद समास का उदाहरण नहीं है पूछा गया, तो ये नहीं है, बाकी सीता राम माता पिता रात दिन जिसमें योजक चिन्ह लगा रहा है समझ लो है, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ देना चाहिए। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर डी से हो जाएगा, डी नहीं है। 25 देखो, ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है, तो 25 का क्या हो जाएगा? डी गहन। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें कौन सा संधि प्रकार नहीं है? इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यय बनता है, ठीक है, तो बाकी मिटना, घर, गहना नहीं, गहन होगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो भाई सबको पता है भाई 26 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भाषा संधि नहीं होती है, व्यंजन संधि होता है, स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, गलत नहीं करना जल्दबाजी में। 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आंख में गुदगुदी करना। अगला देखो 28 नंबर, रिजर्वेशन शब्द का हिंदी प्राय, भाई सबको पता है, कमेंट करके बता दो। मुझे तो लगता है कि इस टेस्ट में भाई 25 प्लस ज़्यादा लोगों का जाएगा, बताना कमेंट करके कितना सही गया। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, आरक्षण। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी कहावत सही है? बताओ भाई, 29 का उत्तर दो, 29 का राइट आंसर, 29 का हो जाएगा डी, हाथ कंघा को अरसी क्या। और 30 नंबर आप सबके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट में खुद से करना है विदाउट ऑप्शन, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी क्या कहते हैं, अंग्रेजी में संपादकीय को क्या कहते हैं, कमेंट में लिख के बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये टेस्ट, अच्छा लगा या नहीं लगा, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें, क्वेश्चन के लेवल में, पढ़ाने के तरीके में, कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो बताना जरूर। कंटिन्यू क्लास मिलेगी, सुबह मॉर्निंग में मिलेगी एक क्लास आपको 8 बजे, उसके बाद में दोपहर में मिलेगी 1 बजे, उसके बाद में शाम 7 बजे मिलेगी, सारे आपको जीके का मिलेगा और मूल विधि का भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कितने क्वेश्चन सही किए आपने, 30 में बताना कमेंट में।